संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे चलते हैं. मुझे लगता है आज के श्लोक हम बहुत जल्दी कर लेंगे. तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि मुख्य रूप से 7-8 सिद्धांत बताने हैं तुम्हें. वह सिद्धांत पता चल जाए तो एनफ है. फटाफट तुम लोग करोगे कि मैं करूं? हाँ तो तुम फटाफट ले लो. 33-34. आज दिव्या प्रभु तुम रहने देना, मैं ही बोल दूंगी सारा. यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुः इव सुदुष्करम्. इससे पहले तक भगवान कृष्ण ने समत्व योग की बात की. समता में आ, समभाव, न सुख लगे ना दुख लगे, तू आनंद की तरफ यात्रा शुरू कर. और सुख दुख कब नहीं लग सकते, तुम ये सोच सकते हो? जब तुम्हें या तो ये समझ में आ जाए कि सब में ईश्वर है, या ये समझ में आ जाए सब ईश्वर में है. दो अलग अलग बातें मैंने करी. सुख दुख से तुम ऊपर कब हो सकते हो? जब तुम्हें समझ में आ जाए कि सब में ईश्वर है, और या तुम्हें ये समझ में आ जाए सब ईश्वर में है. अब किससे सुख करना, किससे दुख करना? एक छोटा सा एग्जांपल से भी समझो कि तुम एक बीज में से पैदा हुए हो. एक छोटा जाइगोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा सा बीज होता है, उसमें से आपकी उत्पत्ति हुई. उस उत्पत्ति के बाद आपके बाल आए, हाथ आए, पैर आए, उंगलियाँ आई, नाखून आए, लंग्स आए, सब कुछ आया. स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन 9 महीने में हुआ. अब जब तुम पूर्ण रूप से बनकर बाहर आ गए, अब तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, सब कुछ आया एक बीज में से. लेकिन हाथ को दर्द होता है, या पैर को दर्द होता है, या एक हाथ पर चोट लग जाती है तो दूसरा हाथ उसको प्रोटेक्ट करता है कि कहते हैं नहीं नहीं उस हाथ की वो जाने. तुम्हारे एक नाखून में भी कोई तकलीफ होगी तो उसको भी पूरा तुम्हारा शरीर प्रोटेक्ट करने, सुरक्षित करने की तरफ ही की योजना बनाएगा, और कुछ नहीं कर सकता. तुम्हारे सिर में दर्द होगा तो तुम्हारे पैर कभी भी डिस्को में नहीं जाएंगे, तुम्हारे पैर भी तुम्हें समर्थन देंगे कि भाई ये तू अभी दवाई खा और सो जा. तुम्हारे हाथ भी तुम्हें समर्थन देंगे. तुम एक बीज में से जो कुछ भी शरीर के इतने अलग 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 हजारों अंग निकल कर आए, लेकिन उस एक अंग को भी तकलीफ होती है तो पूरा शरीर उसके प्रति भागता है कि नहीं. तो इसी तरह जिसने माना कि ये सब कुछ एक बीज में से ही ये इतना महाविस्फोट एंड सुपर्ब एक्सपेंशन हुआ है, जो कुछ भी है उस एक बीज, कौन सा बीज? शिव और शक्ति के मिलन का जो बीज है. अब वापस कोई व्यक्ति नहीं सोचोगे तुम, शिव और शक्ति का जो मीटिंग पॉइंट है, वहाँ उस बीज में से जो कुछ भी निकला वो सब कुछ एक बीज में से तो निकला है. तो किसी और को कोई दुख हो, या कोई और तुम्हें दुख पहुँचाए, किसी का दुख तुम्हारा दुख हो गया, कोई तुम्हें दुख पहुँचाता है तो भी तुम्हें उसके प्रति, वो सब एक ईश्वर में से निकले हैं, इस मान्यता के कारण अब द्वेष वगैरह नहीं हो सकता. अर्जुन इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव ही नहीं समझ पा रहा, और इसीलिए 11वें अध्याय को आना पड़ेगा. और शायद तब शिवरात्रि नहीं आई होगी. 18 दिनों में ये शिवरात्रि का 18 अध्यायों में कुछ बात नहीं हुई होगी, लेकिन अर्जुन इस विराट स्वरूप को समझ नहीं पा रहा. तुम समझ पा रहे हो? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सब में ईश्वर है, या दूसरी पॉसिबिलिटी सब कुछ ईश्वर में है. कौन सी अच्छी लगती है तुम्हें? मुझे तो सेकेंड ज़्यादा पावरफुल लगती है. कभी तुम आँख बंद करके बैठो ना, वो एंटायर थिंग इज जस्ट फ्लोटिंग इन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर. पूरा तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारा छोड़ो ये पूरे मल्टीवर्स का अस्तित्व, खाली उस एक में फ्लोट कर रहा है. और उस एक को हम गॉड कहते हैं, उस एक को ईश्वर एक है हम कहते हैं ना.
अब ये परंपरा भी तुम्हें समझ में आ गई, कहते हैं ईश्वर एक है, एक ओमकार सतनाम तुम्हें समझ में आ गया, जो ओमकार का नाम हुआ वो सत में से वो ध्वनियाँ गुजर के बाहर आई। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अर्जुन को ये बात नहीं समझ में आई, इसलिए यहाँ दो श्लोक भाई अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को देखता ही नहीं। तुम कह रहे हो जहाँ योग आ जाता है वहाँ संभाव आ जाता है, हाथ को पैर की पीड़ा का अनुभव होता है कि नहीं? होगा, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं? ये संभव है, सभी के लिए समान भाव, जैसे तुम्हारे शरीर के हर अंग को दूसरे शरीर के लिए समान भाव है कि नहीं? पैर में लगा तो कम ध्यान दोगे, हाथ में लगा तो ज़्यादा ध्यान दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। सभी के लिए समान ध्यान देते हो, ऐसा ये समत्व भाव अर्जुन कहता है कृष्ण पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है और इसलिए हम कंटिन्यूअसली एक स्थिति में नहीं रह सकते, कभी अच्छी स्थिति में भी जा सकते हैं, कभी बुरी में भी जा सकते हैं, बुरी में भी अच्छी में भी, लेकिन सम स्थिति में हम नहीं रह सकते। क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल यानी एक विषय से दूसरे विषय में भागता है, प्रमथन स्वभाव वाला यानी स्थिति से विचलित कर देता है, बहुत स्थिरता होती है और अचानक डलनेस लगने लग जाती है। कुछ दिन जो तुम लोगों के साथ होता है ना, कुछ दिन बहुत ऊँचे ऊँचे जाते हैं और कुछ दिन एकदम डल हो जाते हैं, प्रमथनशील स्वभाव, जिद्दी है, इसने भटकने की ठान ली तो ठान ली। ये अर्जुन की तरफ से, अर्जुन तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है ना, अर्जुन तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो जिद्दी है कि नहीं? मन ने भटकने की ठान ली तो ठान ली, कोई ढंग नहीं है मन को लौटाने का, और बलवान है, कितना समझाते हैं लेकिन फिर भी मन ही जीतता है। आगे क्या कहते हैं अब कृष्ण, उसका जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यः अवक्तुम् उपायतः। हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल है। लो भगवान कह रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं, निश्चय ही मन चंचल है, लेकिन ये भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं, यानी तुम्हारे लिए। भगवान को ऐसा नहीं लगता, डोंट थिंक के भगवान को लग रहा है बड़ा दुष्प्राप्य काम है ये, भगवान के लिए बहुत इजी है, लेकिन ये कुछ ऐसे समझो जब बच्चा छोटा होता है और वो जिद पर अड़ जाता है कि बड़ा मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता, तब मदर क्या कहेगी उसके, हाँ बेटा मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन चलना लेट्स ट्राई, लेट्स कोशिश करते हैं। देखो माँ का रोल निभा रहे हैं कृष्णा, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अर्जुन तुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जहाँ अर्जुन ने कहा मुश्किल है और कृष्णा कहे सरल है, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों के डायमेंशन से उल्टे हो गए। ये कह रहा है मुश्किल है, कृष्ण कह रहे हैं नहीं बच्चे ये तो सरल है, इसलिए कृष्ण अर्जुन के मैदान में आ रहे हैं, अर्जुन के कोर्ट में आ रहे हैं और वहाँ के कहते हैं मैं समझता हूँ बच्चे कि मुश्किल है, लेकिन मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, बराबर है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती किसका प्रतीक है? तुम प्रज्ञा के अधिकारी हो, अभ्यास और वैराग्य से ये वश में होता है। वैराग्य और अभ्यास दो बातें आई, ये क्रम भी उल्टा किया, मैं बाद में बात करूंगी, दो बातें, वैराग्य चाहिए, ये मन बड़ा चंचल है तुम्हारे अनुभव में ऐसा है, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य यानी विशेष के प्रति राग होना, इतनी डेफिनेशन है, कितना छूटा वो छोड़ दो, वैराग्य यानी विशेष के प्रति राग होना, वह विशेष चाहो तो निराकार कर लो निराकार के प्रति, और चाहो तो साकार कर लो, जिसे हम सद्गुरु कहते हैं। तुम्हें राग क्या इजी लगता है? देखो राग ही दौड़ाएगा, आज तुम दौड़ दौड़ के इन सत्संगों तक आते हो, कौन दौड़ा रहा है? राग ही दौड़ा रहा है, डेफिनेटली प्रशस्त राग है, पर राग दौड़ाने का काम करेगा, द्वेष नहीं दौड़ाएगा। तुम्हें सेल के प्रति राग होता है? SALE राग है तो वो दौड़ाता है कि नहीं? कैसा?
शरीर से नहीं दौड़ाता लेकिन मन से तो दौड़ाता है फिर भी। जहां राग है वहां दौड़ना संभव है, जहां राग नहीं है वहां तुम कभी दौड़ नहीं सकते। इसलिए जो दौड़ दौड़ के इतने लोग आते हैं ना, मुझे इतना तो समझ में आता है कि वैराग्य किसी विशेष तत्व के प्रति इन्हें राग की उपलब्धि होगी। ये राग दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो तुम निराकार से राग कर लो, लेकिन निराकार से राग हो नहीं पाता, थोड़ा टफ काम है। इसलिए किसी साकार को, हम जैसों को भी किसी साकार को बीच में रखने पड़ा राग करने के लिए, हम जैसों को भी, कि कोई साकार हो, शब्द रूप में साकार हो, शकल सूरत रूप में साकार हो। मेरे लिए शब्द रूप से साकार थे, मैं तो उनको अक्षर दे ही बोलती हूँ जो उनका वचनामृत है। तो साकार के साथ राग करना आसान होता है कि नहीं? तो एक पक्ष है जो निराकार से राग करके वैराग्य को उपलब्ध होता है, दूसरा है जो साकार से राग करता है। वॉट एवर इज योर वे, मुझे दोनों मान्य है। डोंट थिंक कि मैं दूसरे वाले के फेवर में हूँ, नहीं। तुम्हें निराकार से भी राग होता है, इस तथ्य से भी, इस महान अंडरस्टैंडिंग से भी, तो भी यू कैन गो अहेड। तुम्हें उस शक्ति के प्रति राग है या शिव के प्रति राग है, नॉट अ पर्सन। अगर उन एनर्जीज कॉन्शियसनेस के प्रति राग है, यू कैन गो अहेड। लेकिन अगर वैसे नहीं होता तो किसी साकार के प्रति राग करना आवश्यक है। उसके बाद दूसरा आया अभ्यास। अभ्यास कितना करना है? मात्र इतना सा कि तुम्हारा मन, प्रॉब्लम किसकी चल रही है? मन की प्रॉब्लम, मन की चल रही है ना। तो क्या क्या साधन तुम्हें मिले मनुष्य में? तुम आए तो तुम्हें साधन क्या मिला है? यहाँ कहते हैं कि तुम, ये आत्मा किस में आई? मनुष्य देह में, ह्यूमन फॉर्म में आई। इस ह्यूमन फॉर्म में इसको तीनों मेजर फैकल्टीज मिल गई, शरीर मिला। तुम्हारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है सब में, गुड। मन मिला और बुद्धि मिली। बुद्धि को भी हमने दो में विभाजित किया है, तो तुम बोल सकते हो अब इतना रट गया होगा, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल बुद्धि को भी हमने दो में डिवाइड किया था, कुबुद्धि जो बुरा गलत चुनाव करती है, और हृदय जो सही का चुनाव करता है। और सूक्ष्म बुद्धि के अंदर प्रज्ञा का निर्माण होता है। ये प्रज्ञा यानी जो शाश्वत और नित्य, अनित्य में, शाश्वत और क्षणभंगुर में, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, इनमें जो विवेक करता है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? वैराग्य यानी विशेष के प्रति का राग। तुम सबके केस में साकार के प्रति का राग, निराकार के प्रति हो तो भी ईश्वर को, कृष्ण को मान्य है। अभ्यास क्या करना है? अभ्यास मात्र इतना करना है, मन की प्रॉब्लम है तो मन को अभ्यास इतना करना है, मन बुद्धि, स्थूल बुद्धि के निर्देशन में जीवन जिए, और स्थूल बुद्धि के निर्देशन में जीवन जीते हुए सूक्ष्म बुद्धि की तरफ भी आता जाए। यही अभ्यास है खाली। बौद्धिक स्तर पर जो अभ्यास है वो यही है। कोई भी विचार आया, संडे आज नहीं जाना सत्संग में, मन को विचार आ सकता है नहीं जाना, तुरंत ही तुम्हें ये विचार आए कि सही क्या है गलत क्या है, नहीं जाने के से तुम्हारी साधना को वेग मिलता है, गुड, मत आना, तो तुम्हारे लिए सही वो है। लेकिन केवल आलस के कारण नहीं आ रहे और दूसरे कामों के कारण नहीं आ रहे तो दैट इज नॉट राइट। तुरंत अपने मन पर हावी होना, मन क्या कह रहा है? नहीं जाना। लेकिन बुद्धि क्या कहती है? बच्चे लाभ तो उसी से है, और उसमें भी ये लाइव सत्संग के अंदर तो बात ही अलग होती है, तो यहाँ तो जाना है। अगर तुमने अपने निर्णय की मान ली, निर्णय क्या था? मन का निर्णय था नहीं जाना, लेकिन उसको समझाया, मन ने ही समझाया कि अब जाना है क्योंकि लाभ वहीं से है, और तुम आ गए, इसका मतलब तुम्हारा मन हृदय के निर्देशन में जी रहा है। और अगर तुम नहीं आते और अपने ही आलस में रहते हो, तुम कुछ भी कर लो घर पर, तुम्हें ऐसा मजा मिल सकता है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो शिवांगी ऐसे ऐसे हिल हिल के मना कर रही है पूरी, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें ये जॉय, ये नॉलेज, ये प्रेजेंस का इफेक्ट, ये सब कुछ नहीं मिल सकता। तो जब तुम ये निर्णय करते हो कि नहीं जाना, मतलब मन किसके प्रभाव में है? कुबुद्धि पे। और जब तुम निर्णय करते हो जाना है, मतलब मन किसके प्रभाव में? किसी को धोखा देना है, मन को मन किया, उसने मुझे दिया था ना, मुझे भी देना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू चीट। अगर तुम चीट करने के रास्ते पे चले जाते हो, मन किसके प्रभाव में है? लेकिन अगर तुम कहते हो छोड़ ना, मैंने किया था, लौट के आया,
जो है सो है, ऐसा करते करते मन को धोखा नहीं देने के लिए ट्रेन करते हो, तो मन किसके आगे पहुंच गया? हृदय के आगे। और ऐसा करते करते ये विवेक, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये तफावत डालते 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 फिर आगे सूक्ष्म स्तर पर नित्य है ये भीतर जो है वो नित्य है, बाहर है वो अनित्य है, ये डिफरेंसेस डालता जाता है। इस प्रकार कहा जाता है ये मन को अभ्यास करना है, लेकिन इस अभ्यास से पहले शर्त है वैराग्य होना चाहिए। किसी के प्रति जब तुम्हें विशेष राग है जो तुम्हें दौड़ा रहा है, तब होगा क्या कि वो जिस प्रकार दौड़ा रहा है तुम उसकी बात मानोगे। यदि तुम्हें राग ही नहीं है मेरे प्रति, विशेष राग, तो फिर होगा क्या, तुम मेरे तक दौड़ नहीं सकते। एक दो दिन आओगे, दो चार दिन चले जाओगे, तुम अपनी नई फिलॉसफीज ढूंढोगे, जो करना हो करोगे। लेकिन जब राग होगा तो अभ्यास क्या करना है, उसके बाद मन को बुद्धि के अधीन लाना है, मन को इंद्रियों के अधीन, विषयों के अधीन, संस्कारों के अधीन नहीं जीने देना। संस्कार कहेगा छोड़ना, नहीं जाना, और बुद्धि क्या कहेगी, नहीं जाना है। बुद्धि जीत जाए यानी ये मन का राइट अभ्यास, मन हार जाए, बुद्धि हार जाए यानी ये मन का रॉन्ग अभ्यास। तुम्हें वैराग्य के साथ अभ्यास करना है। और फिर साथ में क्या कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, वश में किया हुआ मतलब बुद्धि के वश में, जिसका मन बुद्धि के वश में नहीं किया, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। योग परमात्मा से मिलन दुष्प्राप्य है, इम्पॉसिबल। जो अपने ही मन की सुन रहा है, कोई विवेक ही नहीं है, केवल अपने मन के अकॉर्डिंगली जी रहा है, उसके लिए योग दुष्प्राप्य है। और आगे ध्यान से देखो, वश में किए हुए मन वाले, किसके वश में, बोलो, जागो जागो, मन को किसके, किसी व्यक्ति के वश में नहीं करना, अपनी ही खोपड़ी के बुद्धि के वश में करना है। जब ये मन वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना, योग का प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। ये कृष्ण साधन यानी कोई ना कोई साधना पद्धति चाहिए। तुम सीधा रैंडमली आज एक दिन ये साधना कर रहे हो, कल ये साधना कर रहे हो, एक दिन साक्षी मेडिटेशन, दूसरे दिन शून्य मेडिटेशन, एक दिन तुम विपश्यना कर रहे हो, नहीं होगा। वो कितने सालों पहले तो कहानी सुनाती थी कि तुम गड्ढा खोदते हो पानी के लिए, 50 फीट नीचे पानी है, तुम 2 फीट यहाँ खोदते हो, 2 फीट वहाँ खोदते हो, 2 फीट वहाँ खोदते हो, 100 बार खोद लिया, पानी मिलेगा? संभव ही नहीं है। एक दिन शून्य ध्यान, एक दिन साक्षी ध्यान, एक दिन सतोगुण ध्यान, एक दिन विपश्यना ध्यान और एक दिन स्वराज क्रिया ध्यान, तुम पहुंच जाओगे? नहीं। इसलिए कहा वैराग्य और अभ्यास के बाद वश में किए हुए मन वाले के लिए ऐसे प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से, कोई ना कोई साधना की टेक्निक से ये योग प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। नेक्स्ट 3 में वापस अर्जुन प्रश्न करते हैं, और अब ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग नाउ। इस पॉइंट पर हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये अर्जुन ने आप सबके बिहाफ पर प्रश्न उठाया है। 3 श्लोक के अंदर अर्जुन भैया का प्रश्न।